See, I'll not tell you what you do in your life regarding MRI, regarding doctor's appointment, regarding physiotherapy. ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ. वो आपका चॉइस है. वो आप पहले समझ लीजिए उससे फायदा क्या होना है. MRI से कितने लोग ठीक हो गए करवाने से, आप पहले समझ लीजिए, इस चीज को देख लीजिए. यू डू अ लिटिल रिसर्च इन, यू गो ऑनलाइन, सी वॉट इज योर कंडीशन एंड हाउ पीपल हैव कम आउट ऑफ दिस कंडीशन बाय टेकिंग दोज काइंड ऑफ थेरेपीज. दूसरी चीज, मैं आपको जो सबको यहाँ पे जो भी फिजियोथेरेपी ले रहे हैं उन सबको एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो आप बिल्कुल इमीडिएटली यू विल बी एबल टू कोरिलेट. फिजियोथेरेपी में आप जोर लगाते हैं या कोई मशीन जोर लगाती है या कोई इंसान जोर लगाता बोथ है? तो वेन एवर, वेन एवर देर इज बोथ, हर जगह पे नहीं होता. प्लीज अंडरस्टैंड इट. इन फिजियोथेरेपी वेन सम टेंशन इज गिवन ऑन योर पर्टिकुलर एरिया, देर इज ऑलवेज अ एक्सटर्नल स्ट्रेस फैक्टर. कोई वेट होगा, कोई स्ट्रॉन्ग चीज होगी जिसके अगेंस्ट में आप काम करोगे, या आपको हीट दिया जाएगा, उस तरीके की चीज की जाएगी. यूजली मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम आउट आउटवर्ड. हमेशा बाहर से एक जिसे कहते हैं ना, एक बैरियर रखा जाता है जिसके अगेंस्ट में आपको काम करना होता है. लेकिन वो ज्यादातर बैरियर जो है ना, बैरियर के थ्रू काम करवाना. और जैसे जैसे फिजियोथेरेपी आगे और उसके नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे. ठीक है ना? एज वी आर गोइंग एड वी आर एडवांसिंग. सो जब आप कम काम कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा काम कर रहा है, तो फायदा तो इंस्ट्रूमेंट को होगा ना, आपको नहीं होगा इतना फायदा. तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग इज यू हैव सर्टन स्ट्रेंथ्स इन योर बॉडी. देयर आर 84 बेसिक स्ट्रेंथ फैक्टर्स इन योर बॉडी. 84 अलग अलग स्ट्रेंथ फैक्टर्स होते हैं आपके शरीर. वो कमजोर होने की वजह से कोई एक चीज काम नहीं करता, बट वो स्ट्रेंथ फैक्टर दो दे डू नॉट वर्क अलोन. जैसे मैंने बताया कि आपका जॉइंट घुटने का आपके लीवर के बगैर काम नहीं करता, मालूम है आपको इस बात? तो केवल जॉइंट पे काम करेंगे तो लीवर को तो ठीक नहीं कर रहे ना. रीजनरेशन तो आप नहीं कर पाओगे उस जगह पे, क्योंकि रीजनरेशन जो है केवल एक्टिविटी से नहीं होता. रीजनरेशन के लिए आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए. तो मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि ये लोकलाइज ट्रीटमेंट है. इस जॉइंट में प्रॉब्लम है, यहां पे कुछ काम कर दो. उस जॉइंट में प्रॉब्लम है वहां. अरे आपके सारे जॉइंट्स तो आपके ऑर्गन्स के साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो उसको ठीक जब तक नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम वहां पे ठीक नहीं होगा. सो मे बी इफ इट इज अ लोकलाइज प्रॉब्लम यू विल गेट रिलीफ. ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं. फिजियोथेरेपी में अगर वो लोकल प्रॉब्लम है तो वो लोकल जगह पे काम करेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाए. अगर वो प्रॉब्लम लोकल नहीं है, इट्स अ डीप प्रॉब्लम, वो और चीजों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा. राइट? ये सबको समझने की जरूरत है. यू मस्ट अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, देन टेक अ डिसीजन कि भाई एमआरआई, व्हाट इज एमआरआई? इट विल स्कैन यू. भाई यहां पे रीजनरेशन है, यही तो बताएगा वो. एमआरआई इससे ज्यादा तो नहीं बताएगा ना. व्हाट एमआरआई विल रिवील? ओ यहां पे रीजनरेशन है. इज देर अ ट्रीटमेंट फॉर रीजनरेशन? देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर रीजनरेशन. तो एमआरआई तो करा लीजिए, ना कराइए क्या, उसे क्या होने वाला? व्हाट विल हैपन? रीजनरेशन विल नॉट हैपन. योर मेटाबॉलिज्म विल नॉट बिकम फाइन. योर लिवर, हार्ट एंड किडनी स्ट्रेंथ विल नॉट गो अप बिकॉज देर इज नो मीन. उसका तरीका ही नहीं है, मालूम. वो कहेंगे जी किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, लिवर ट्रांसप्लांट करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, ठीक तो कर नहीं सकते. तो इवन इफ यू गो फॉर ऑल दोस फैंसी काइंड ऑफ अ डायग्नोस्टिक थिंग्स कि आपको अंदर दिख जाएगा, आपके अंदर थोड़ा ये देखो यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे ये, यहाँ थोड़ा अंदर दिख जाएगा, क्या फायदा होगा आपका? सो व्हाट आई एम सेइंग इज इफ इट इज अ लोकलाइज थिंग, देर इज सम इंजरी, यू वॉन्ट टू सी कि अच्छा क्या, कहां पे इंजरी है, कहां पे हो गया, है भी कि नहीं है, यू वॉन्ट टू कंफर्म, दैट टाइम यू डू डायग्नोसिस, दोस काइंड ऑफ डायग्नोसिस करवा लीजिए, तसल्ली हो जाती है. उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होता. वो करवाना है तो आपकी मर्जी, तसल्ली के लिए करवा ली. बट ट्रीटमेंट, वेयर विल यू टेक द ट्रीटमेंट? सो यू मस्ट डू अ ट्रीटमेंट फॉर योर बॉडी. ये आपको करना जरूरी है.
एवरीथिंग एल्स इज अ सपोर्ट. लेट मी टेल यू, सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट. सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है. बिकॉज सर्जरी विल नॉट इंप्रूव द रिकवरी फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी. इट इज अ जस्ट अ लिटिल मैनेजमेंट. एक जगह पे कुछ ज्यादा फसावट आ गई, प्रॉब्लम आ गई, उस जगह को थोड़ा ठीक कर दो. दैट इज सर्जरी. मैनेजमेंट, लिटिल मैनेजमेंट, एक जगह स्लिप डिस्क को ठीक कर दो, लेकिन दूसरी जगह हो जाएगा, तीसरी जगह हो जाएगा, फिर क्या करोगे? एक स्टेंट लगाए हार्ट में, दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, हार्ट तो इंप्रूव कर ही नहीं रहे आप. कहने का मतलब ये आपको सोचना चाहिए कि आपका शरीर है, इसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स आप इंप्रूव कर लें, अंदरूनी ऑर्गन का ये इंप्रूव करें, ये 100%. उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज भी ज्यादा कर लेंगे ना तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, नहीं तो ऑर्गन वीक है, एक्सरसाइज भी करोगे तो हार्ट अटैक होगा. यही हो रहा है ना. आई सीन 19 years, 30 years, 35 years स्पोर्ट्स पीपल गेटिंग इनटू हार्ट अटैक, गेटिंग इनटू हार्ट अटैक. तो ये आंखें खोलिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज वॉट इट इज. कोई अगर लोकल प्रॉब्लम, कहीं चोट लग गई, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उस टाइम पे आप थोड़ा लोकलाइज ट्रीटमेंट ले लेंगे, फिजियोथेरेपी ले लेंगे, इट विल हेल्प. लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने शरीर को ठीक नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट रिलीफ.